गया, दुबई में मंदिर बनने के बाद अल्लाह का अजाब आ गया, वहाँ की हालत बस से बदतर हो गई, क्योंकि सोशल मीडिया पे इन दिनों दो तरीके से बातें चल रही है। जब से वहाँ पे 700 करोड़ का मंदिर बना, मोदी जी ने उद्घाटन किया, उसके बाद वहाँ पे जिस लेवल की बारिश हुई, बारिश नहीं बल्कि गारपीट हुई और कई लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ, किसी के घर में पानी घुसा, किसी की दुकान में पानी घुसा। उस दुबई के अंदर जो दुबई दावा करता है कि मैं सबसे खतरनाक टेक्नोलॉजी है मेरे पास, मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता, मतलब उस दुबई के अंदर सारे बस से बदतर हमें हालात देखने को मिले। मैं आपको सबसे पहले वहाँ की कुछ वीडियो दिखाता हूँ, जिसे देखने के बाद आपके आंख पे रोंगटे खड़े रह सकते हैं। मतलब अलग ही लेवल का वहाँ का जो बारिश हुई ना, जिस लेवल पे वहाँ पे गाड़ियाँ बह रही है, जिस लेवल पे वहाँ पे बिजली गिर रही है, मतलब वो मंजर देखने के बाद आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। लेकिन उसके बाद मैं आपसे बताने लगा ये बारिश के बाद लोगों का रिएक्शन क्या निकल कर आया, लोग क्या बोल रहे। लेकिन उससे पहले आप वहाँ की कुछ वीडियो देख लीजिए। Where's Viv? Oh my God. Jake, are you okay? और हम उनको कयामत के बड़े अजाब से पहले दुनिया के अजाब का भी मजा चखाएंगे, शायद वो हमारी तरफ लौट आए। तो जैसा कि आपने वहाँ के कुछ वीडियो देख ही लेंगे किस कदर वहाँ पे बारिश हुई, तो ऐसे में आपसे भी सोच सकते हैं वहाँ पे कितना नुकसान हुआ होगा। लेकिन इन्हीं वीडियो की जो कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं मंदिर को लेके, सबसे पहले तो मैं आपको कुछ कमेंट पढ़ के सुना देता हूँ, आपको साइड में भी दिखेंगे, आप खुद पढ़ सकते हैं जहाँ पे वीडियो डाले हुए वहाँ पे कमेंट किए जा रहे हैं, तो आपको साइड में दिख ही रहा होगा। किसी ने लिखा कि और बना मंदिर, उसके नीचे किसी ने लिखा कि यूएई की जमीन पे शुबुदू हो रहा है, मतलब आप सुना दूँ वहाँ पे पानी आ रहा है क्योंकि मंदिर वहाँ बना है। मतलब उनके कहने का मतलब है कि उस अरब की जमीन पे जहाँ पे एक बुन्नी गिरता वहाँ पानी आ रहा है भगवान की कृपा से। और उसी के साथ बता दूं किसी निकल के शुद्धि हुई प्रभु का आगमन के पहले ये सब होता है। मतलब ये किसी का कहना है कि जब मंदिर बनती है या वहाँ पे मंदिर में मूर्ति रखी जाती है तो ये सारी चीज़ें होती है। आप सभी को कमेंट दिख रहा होगा, फिर किसी ने लिखा कि और बनाओ मंदिर, ये अल्लाह का अपना खैर बरसा है, आपको साइड में दिख ही रहा होगा। और किसी ने लिखा कि पावर ऑफ सनातन टेम्पल, और किसी ने लिखा कि कौन कौन मानता है मंदिर बनने की वजह से बारिश हुई है। मैं आपको हर कमेंट पढ़ के सुनाता हूँ। किसी ने लिखा कि भोले बाबा का करिश्मा है हर हर महादेव, आपको साइड में दिख ही रहूँगा। किसी ने लिखा कि ये कयामत की पहली की निशानी है, और आप सभी को बता दूँ। और किसी ने लिखा कि रिलायंस गाइस मंदिर बना तो साफ सफाई चल रही है, और किसी ने लिखा कि और बनाओ मंदिर, मतलब और बनाओ मंदिर की बहुत ज़्यादा कमेंट आ रही है। और किसी ने लिखा कि इमाम हुसैन की शहादत भूल जाऊँगे तो यही होगा, कयामत खुद कहेंगी कि कयामत ज़रूरी है, ये आपको कमेंट साइड में दिख ही रहूँगा। सारे कॉन्ट्रैक्ट लोग सऊदी को बर्बाद करने की दुआ मांग रहे हैं, और किसी ने कहा कि पावर ऑफ राम जी, खुदा नाराज़ है बेहद। और आपसे बता दें ऐसे कई सारे सैकड़ों कमेंट किए गए जो कि मैं आपको पूरे कमेंट पढ़ के भी सुना नहीं सकता। किसी ने कहा कि अजाब आ गया है, ये अल्लाह शुक्र है देखकर, मतलब ये भी आपको साइड में दिख ही रहूँगा। किसी ने जय श्री राम लिखा, मतलब आपसे भी बता दूँ लोगों की अलग अलग तरीके से राय है, क्योंकि कई सारों का कहना है कि वहाँ पर मंदिर बनी तो अल्लाह ताला का अजाब आ गया, वहाँ पे भूत परस्ती होने लगी, और कई सारों का कहना कि वहाँ मंदिर बनी तो उस अरब के ज़मीन में बारिश गिर गई जहाँ पे एक बूंद नहीं गिरता था। लेकिन आपका क्या बोलना है आप मुझे कमेंट करके बताइए, आपको क्या लगता है। और उसी के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ज़रूर फैलाइए, ताकि लोगों तक ये वाली इन्फॉर्मेशन पहुँचे कि दुबई के अंदर किस लेवल की बारिश हुई, गारपीट हुई। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ज़रूर फैलाइए।